हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। वर्तमान में आलोचना करेंगे समास विषय रे। समास प्रथमे हमें जानना मध्ये कौन समास होची परस्पर संपर्क थिपा एकाधिक पद को एक पद रे परिणत करिवार धारा। जेमिति कि नदी रा जल हेगला नदी जल, गाँर मुंड हेगला गाँ मुंड, गछरे पाचिला हेगला गछ पाचिला, पीत अंबर चाहर हेगला पीतांबर, सत्य ओ निष्ठा हेगला सत्य निष्ठा। सो ये जो समास अच्छी तार उद्देश्य कौन? जदि आम कौन कथा को संक्षेप कही पारे तेल से संक्षेप कहले ही सुंदर लगे। अजथा एलाबोरेट कले किसी लाभ ना, जे शुणा लोक से विरक्ति भी हो जाए। सो आम बेसिक लक्ष्य हूँ वाक्यटी को श्रुति मधुर करने आमर जी मिनिमम वर्ड अच्छी यूज करर्थ को परिप्रकाश कर। तो जो जो पद गुड़ी को लेकिन समस्त पद गठित हुए कहुए समस्यमान पद, एवं जो वाक्य वाक्यांश रे आमे समास प्रक्रिया कहुए व्यास वाक्य। व्यास वाक्य को समास वाक्य मध्य कहुए, विग्रह वाक्य मध्य कहुए। तो आम गोटे एग्जांपल नहीं देखा जे एक्चुअली व्यास वाक्य कौन, समस्त पद कौन, एवं समस्यमान पद कौन। तो ये सब जिनस हमें एग्जांपल थ्रू रे देखने हमें क्लियरली जानपर। जमती कि गोटे एग्जांपल हूँ नदीर जल, ये व्यास वाक्य हूँ नदीर जल। व्यास वाक्य मान हूँ से वाक्य जहाँ को आम सर्ट करने को चाहे। तो नदीर जल हूँ व्यास वाक्य, समास करदे से नदी जल। नदी जल को कलेक्टिवली कहगला समस्त पद बा समास निष्पन्न पद। एवं नदी जल जो दुईटा वार्ड को लेकिन नदी आ जल ये दुईटी हूँ समस्यमान पद। आई होप कि जो व्यास वाक्य समस्त पद आ समस्यमान पद विषय तुम्हें क्लीयर हो गल। से गाँर मुंड, गाँर मुंड होगा व्यास वाक्य, समास करदे से गाँ मुंड। तो ये गाँ मुंड हूँ समस्त पद, गाँ आ मुंड दुटा अलग अलग हूँ समस्यमान पद। तो बर्तमान आम आसवा समासर प्रकार भेद को। अर्थर प्राधान्य दृष्टि समास को आम छ भाग में विभक्त करें। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीही समास, दिगु समास, द्वंद्व समास, एवं अवैभाव समास। तो आम गोटी गोटी कर यह सब समास मानक विषय आलोचना करवा। तो फर्स्ट आम आलोचना करवा तत्पुरुष समास विषय। सो तत्पुरुष समास कौटी हे ना जो समास द्वितीय ठार आरंभ हो सप्तमी पर्यंत कौन से विभक्तिर लोप होता कहुक तत्पुरुष समास। तो जो विभक्ति लोप हुए तार ना अनुसार तत्पुरुष समास नामकरण हो। अर्थात जदि द्वितीय विभक्ति लोप पाँची से द्वितीय तत्पुरुष, जो तृतीय किंवा चतुर्थी किंवा पंचमी विभक्ति लोप हो से अनुसार तार ना द्वितीय तत्पुरुष कि तृतीय तत्पुरुष कि पंचमी तत्पुरुष एम सब हम। तो प्रथम आम द्वितीय तत्पुरुष समास देखा। जदि पूर्व पदर जो द्वितीय विभक्ति अच्छी लोप होकरी समास हो तत्पुरुष समास हो द्वितीय तत्पुरुष। आम जानते जे द्वितीय विभक्तिर जो चिन्ह सब थाए मानकु सब एम सब लोप पाथे। जमी गृह को आगत, गृह को आगत को आम जदि समास करवा से गृहागत। तो ये कूटा लोप पाइला सेमती हस्त को आगत, हस्तागत ये भी कूटा लोप पाइला। मन को छुआ, मन छुआ ये भी कूटा लोप पाइला। विद्या को प्राप्ति, विद्या प्राप्त ये भी कूटा लोप होगा। तो जो एम द्वितीय विभक्तिर चिन्हटा लोप हो द्वितीय तत्पुरुष समास कह। छा व्याप्ति अर्थर मत द्वितीय होता है जमीक चिरकाल व्यापी दुख से चीर दुख, क्षणकाल व्यापी स्थायी से क्षण स्थायी, चिरदिन व्यापी बंधु चिरबंधु। तापर आम आस तृतीय तत्पुरुष पाखक। पूर्व पदर जदि तृतीय विभक्ति जो थी लोप हो जाए तृतीय तत्पुरुष समास। तो आम जानते तृतीय तत्पुरुष समास रे तृतीय विभक्ति लोप हुए। तो तृतीय विभक्ति चिन्ह सब हूँ रे द्वारा देई कर्तृक ये सब जमीक रोग द्वारा आक्रांत रोगाक्रांत, शोकरे आकुल शोकाकुल, ज्वर द्वारा जीर्ण जराजीर्ण, धनरे हीन धनहीन यहीपर। तापर आम आसवा चतुर्थी तत्पुरुष पाखक। चतुर्थी तत्पुरुष से हम जो चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह लोप पाइब। चतुर्थी विभक्ति चिन्ह सब था
ଲୋକଙ୍କୁ କି ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏସବୁ ତ ନିମିତାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ଯେମିତିକି ଗୁରୁଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଦେବା ପ୍ରତ ତ ଯେଉଁ ନିମିତ୍ତ ବା ପାଇଁ ତା ମାନେ ହେଉଛି ତମେ ଯାହାକୁ ଦେଇଦେଉଛ ସିଏ ତାର ମାଲିକ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିଲ ସେ ଦକ୍ଷିଣାଟା ଗୁରୁଙ୍କର ହେଇଗଲା ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପିତୃ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତ ପିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ପିତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ତ ଯେଉଁଠି ନିମିତ୍ତ ବା ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ଆସିବ ସେଠି ଚତୁର୍ଥ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କେସ୍ରେ ଦରଜିକି କପଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି ତ ଏଇ କପଡ଼ାଟା ଦରଜିର ହେବନି ନା ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ସେଇଟା ଚତୁର୍ଥୀ ହେବନି ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଜିନିଷଟା ନେଲା ପରେ ଜଣେ ସେ ଜିନିଷର ମାଲିକ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ କେସ୍ରେ କେବଳ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ସେସବୁ ଥାନ୍ତି ରୁ ଠାରୁ ଠୁ ଏସବୁ ତ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଯେମିତିକି ଗଛରୁ ତୋଳା ଗଛ ତୋଳା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୋଗମୁକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ରଙ୍କର ର ଗୁଡ଼ିକର ଏସବୁ ଲୋପ ପାଇବେ ଯେମିତିକି ଫଳର ରସ ଫଳରସ ର ଲୋପ ପାଇଲା ନଈର ପାଣି ନଈ ପାଣି ର ଲୋପ ପାଇଲା ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର ଏଠି କର ଲୋପ ପାଇଲା ତ ସେହିପରି ଆଉ ସବୁ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡରେ ଆସିବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ହଂସମାନଙ୍କ ରାଜା ରାଜହଂସ ପଥମାନଙ୍କ ରାଜା ରାଜପଥ ଏସବୁ ସେହିପରି କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ହେଇଯିବ କଳିଙ୍ଗରାଜ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କ ନୀତି ରାଜନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପୂର୍ବପଦର ଯଦି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସପ୍ତମୀର ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ସେସବୁ ହେଲେ ଏ ରେ ଠାରେ ଏସବୁ ଯେମିତି ଗଛରେ ପାଚିଲା ଗଛ ପାଚିଲା ବଣରେ ଭୋଜି ବଣ ଭୋଜି ଜଳରେ ମଗ୍ନ ଜଳମଗ୍ନ ଏସବୁ ହେଲା ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ତାପରେ ଆସିଲା ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ଯଦି ପରପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ତ ନଞ୍ଜ ମାନେ ହେଉଛି ନା ନେଗେଟିଭ ସେନ୍ସ ଯାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେମିତିକି ନ ଜଣା ଅଜଣା ନ ଅସନ ଅନସନ ବେଳେବେଳେ ଅଣ ବି ହୁଏ ଯେମିତିକି ନ ଓସାରିଆ ଅଣ ଓସାରିଆ ନ ହିନ୍ଦୁ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ନ ଲେଉଟା ଅଣ ଲେଉଟା ନ ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ କେତେ କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ନ ପୁଷକ ନମ୍ପୁଷକ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ତ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇ ପଦ ଗତ ହେଲାବେଳେ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଉପସର୍ଗ ବା ଭିନ୍ନ କୌଣସି ପଦ ଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଯେମିତିକି କୁମ୍ଭ କରେ ଯେ କୁମ୍ଭକାର ଏଠି କୁମ୍ଭ ଉପପଦ ରହିଲା ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସେମିତି ମଧୁପାନ କରେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ମଧୁପ ଏଇଟା ବି ହେଇଗଲା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଅଲୋକ ସମାସ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହିସବୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଅଣ୍ଡରରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାସ ଅଣ୍ଡରରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇନି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଲୁକ୍ ସମାସ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୁକ୍ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ନହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଲୁକ୍ ସମାସ ଯେମିତିକି ବନେ ଚରେ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବନେ ଚର ଏଠି ଯେଉଁ ଏକାରଟା ଅଛି ସେଇଟା ଲୋପ ପାଇଲାନି ସେହିପରି ମନସୀ ଜନ୍ମେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ମନସିଜ ସରସୀ ଜନ୍ମେ ଯେ ସରସିଜ ଅଗ୍ରେ ସରେ ଯେ ଅଗ୍ରେସର ଖେ ଚରେ ଯେ ଖେଚର ଭ୍ରାତୁ ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତୁସ୍ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତୁସ୍ପୁତ୍ର ମାନେ ପୁତ୍ର ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କର୍ମଧାରେ ସମାସ ପାଖକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମଧାରେ ସମାସ ଏହି ସମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଧାରେ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦର ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ଯେମିତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଡେଙ୍ଗା ଅଟେ ଗଛ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଧାରେ ସମାସ ତ କର୍ମଧାରେ ସମାସରେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଯେମିତିକି ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି ରାଜଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଅଟେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁଷ୍ପିତା ଅଟେ ଲତା ପୁଷ୍ପିତ ଲତା
दिया अटे पत्नी दिया पत्नी महत अटे पुण्य महापुण्य तो जे से एपरी अटे अटंती ये सब वार्ड जो रमें से कर्मधारय समास करिबा तापर आम कि स्पेशल कर्मधारय समास मानक विषय आलोचना करिबा जमती गोटे कर्मधारय समास हो रूपक कर्मधारय तो रूपक कर्मधारय जो उपमान उपमेय भितर अभेद कल्पित होता तो दीटा को एका जिन कि भेद ना तो से केस रूपक कर्मधारय करवा तो ये उपमान उपमेय कथा आसला तो डिफरेन्स हूँ या जोटा श्रेष्ठ से उपमान जहाँ कु तुलना करमेय जोटा टिके लेस क्वालिटी से उपमेय जोटा बेटर क्वालिटी से उपमान तो जो उपमान आपमेय भितर अभेद कल्पित होती कहुए रूपकर्मधारय जमी स्त्री रूपक रत्न स्त्री रत्न मुख रूपक चंद्र मुखचंद्र यह सब हूँ रूपक कर्मधारय भितर आस गोटे स्पेशल कर्मधारय हूँ मध्यपद लोक कर्मधारय ये जो समस्त पदर जो विग्रह वाक्य मध्यवर्ती पदटा थाए से लोप पाई जमीक घृत मिश्रित अन्न घृतान्न पाठ तैयारी पोल पाठ पोल जमी सुना तैयारी हार सुना हार बलद टणा गाड़ी बलद गाड़ी यह सब हूँ मध्यपद लोक कर्मधारय उदाहरण तापर आसा दिगु समास दिगु समास हूँ सब सहज समास गोटे दिगु द्वंद दीटा को सहज तो जो समास संख्यावाचक शब्द पूर्वर थाई बा संख्यावाचक पद पूर्वर थाई समास निष्पन्न पद समष्टि को बुझा था कहते दिगु समास एग्जांपल रे करिबा त्रिफल समाहार त्रिफला त्रिफला भितर हरिड़ा बाहड़ा अंला आस तो समाहारे दिगु सिंपली एति मन रखिले आम दिगु समास को इजिली चिन्ह पारिबा जमीक तीन ऋषि समाहार त्रि ऋषि जमीक नवरत्न समाहार नवरत्न पंच इंद्रिय समाहार पंचेन्द्रिय आम आस द्वंद समास द्वंद्वटा भी सहज जानवा कारण द्वंद्व समास रे जो दुई बाठ अधिक पद मिलित होकर एक पद हो समस्या मान पद प्राधान्य रुहे सब द्वंद्व समास को आम ओ आम द्वारा चिन्ह पारा जमीक धन ओ जीवन धन जीवन जयापति दंपति घर ओ द्वार घर द्वार कीट पतंग कीट पतंग यह सब द्वंद आगु को चिन्हवा बहुत सहज कारण ओ एवं द्वारा जब विग्रह वाक्य होता द्वंद जो समाहार बुझाऊँ संख्या थी से दिगु तापर आम आस अवैभाव समास पाखक जदि समास पूर्वपद अवय होता है सिंपली सीटा अवैभाव समास होता है तो अवैभाव समास विभिन्न अर्थ में व्यवहार करा जाए जमीक व्यवसार्थ में आम अवैभाव समास को व्यवहार करपसा मान हूँ पुनःपुन बारंबार दिन कु दिन प्रतिदिन वर्ष कु वर्ष प्रतिवर्ष आम अभाव अर्थ में अवैभाव समास व्यवहार करमती आनंदर अभाव निरानंद हिसाब अभाव बेहिसा योग्यता अर्थ में मध्य अवैभाव समास व्यवहार करमती रूपर योग्य अनुरूप गुणर योग्य अनुगुण सदृश अर्थ में मध्य आम व्यवहार कर अवैभाव समास वनर सदृश उपवन दीपर सदृश उपदीप कथार सदृश उपकथा भाषार सदृश उपभाषा इत्यादि अतिक्रम नक अर्थ में आम अवैभाव समास को व्यवहार करमती शक्ति अनुसार शक्ति को अतिक्रम नक यथाशक्ति विधि अनुसार यथाविधि क्रम को अतिक्रम नक यथाक्रम इत्यादि आतिशच्य अर्थ में आधिक्य अर्थ में आम अवैभाव समास को व्यवहार करमती कि अत्यधिक घंच निघंच अधिक धार्य निधार्य अतिशय रुद्ध निरुद्ध इत्यादि तापर आम समीप अर्थ में मध्य अवैभाव समास व्यवहार करमती कूलर समीप उपकूल पदर समीप उपपद कथार समीप उपकथा इत्यादि व्याप्ति अर्थ में मध्य आम अवैभाव समास व्यवहार करमती कि मरण पर्यंत आमरण कंठ पर्यंत आकंठ जीवन पर्यंत आजीवन
ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅବୈଭାବ ସମାସ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେମିତି କୂଳର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକୂଳ, ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ହିଂସାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିହିଂସା ବା କ୍ରିୟାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି। ଅତିକ୍ରମ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବୈଭାବ ସମାସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ମାନବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତିମାନବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଧୁନିକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ, ଉଚ୍ଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ, ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ବି କରିପାରିବା ଆମେ ବା ଅନୁଗମନ, କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଅର୍ଥରେ ବା ନିମ୍ନତା ଅର୍ଥରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଭାଗ ଉପବିଭାଗ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ପଦକୁ ନେଇକି ସମାସ ହେଇଛି ସେ ଦୁଇଟି ପଦର ମିନିଂ ଅଲଗା ଥିବ, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟିଭଲି ତାର ସମାସଟି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଯେମିତିକି ପିତ୍ତ ଅଟେ ଅମ୍ବର, ତ ପିତ୍ତ ଅଟେ ଅମ୍ବର ଯଦି ପିତାମ୍ବର ଅର୍ଥାତ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କର୍ମଧାରାୟ। ଯଦି ପିତ୍ତ ଅଟେ ଅମ୍ବର ପିତାମ୍ବର, ପିତ୍ତ ଯାହାର ଅମ୍ବର ପିତାମ୍ବର ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ପିତାମ୍ବର ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ହେଇଗଲେ ସେ ନା ତ ତାଙ୍କର ହଳଦିଆ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ଅମ୍ବର ସେଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ସେମିତି ବୀଣା ପାଣି, ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର, ତ ବୀଣା ପାଣି ତ ସରସ୍ୱତୀ, ବୀଣା ଆଉ ପାଣି ସହିତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ବି ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ। ସେମିତି ଚତୁଭୁଜ ଯାହାର, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଯାହାର ନୀଳକଣ୍ଠ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଦଶ ଆନନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ସବୁ ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ। ଲମ୍ବ ଉଦର ଯାହାର ଲମ୍ବୋଦର, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ଦଶ ଆନନ, ଏସବୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେବେ। ତାପରେ ଆମେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତିକି ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। ସହାର୍ଥକ ମାନେ ସହ ଶବ୍ଦ ନେଇକି ବା ସହ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଆସେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଥିବା ସସ୍ତ୍ରୀକ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଥିବା ସଶ୍ରଦ୍ଧ, ବଳ ସହିତ ଥିବା ସବଳ, ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଥିବା ସାନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଉଛି ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି। ଯେମିତିକି କେଶକୁ କେଶକୁ ଧରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କେଶା କେଶୀ, ଠେଙ୍ଗାରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି, ହାତକୁ ହାତକୁ ଧରି ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତା ହାତି, ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ିରେ ପରସ୍ପର ସହ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ଏସବୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଭିତରେ ଯିବେ। ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସମାସ ଆସିଲା ନିତ୍ୟ ସମାସ। ବେଳେବେଳେ ସମାସ ବାକ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମାସ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିତ୍ୟ ସମାସ। ଯେମିତିକି କୁଆଖାଇ, କୁଆଖାଇର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ କୁଆଖାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମ, ଆକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିହେବନି। କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ଏକ ପ୍ରକାର ନାଗ ସାପକୁ ବୁଝାଏ, ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ପୋକଶୃଙ୍ଗ, ଏଇଟା ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଗା ନୁହଁ, କାରଣ ପୋକଶୃଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ଗଛର ନାଁ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ହେଇଯାଉ ନିତ୍ୟ ସମାସ। ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାମ, ନୀଳକନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ବୁଝାଏ, ତ ଏସବୁ ଆମର ନିତ୍ୟ ସମାସ ଭିତରେ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ସମାସ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, କୁଳବୁଡ଼ା ସମାସ ପଦଟିର ବିଗ୍ରହ ପଦ ସହିତ ସମାସ ସ୍ଥିର କର। ତ ଅପ୍ସନ୍ସ ଆର୍ କ, କୂଳରେ ବୁଡ଼େ ଯେ କୁଳବୁଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ, କୂଳକୁ ବୁଡ଼ାଏ ଯେ କୁଳବୁଡ଼ା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତ ଏଠି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କୂଳକୁ ବୁଡ଼ାଏ ଯେ ସେ ହେଉଛି କୁଳବୁଡ଼ା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ହଂସ ଗମନା କେଉଁ ସମାସ ଚିହ୍ନା। ତ ଏଠି ହଂସ ଗମନା, ହଂସଟା ହେଉଛି ଏଠି ଉପମେୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାନିଦ୍ରା କେଉଁ ସମାସ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ମହାନିଦ୍ରା ନିଦ୍ରା ହେଇଯିବ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ ମହାନ ଅଟେ ନିଦ୍ରା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବାଲି ମିଶା ମାଟି, ବାଲି ମାଟି ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପି କର୍ମଧାରୟ, ବାଲି ଓ ମାଟି, ବାଲି ମାଟି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ବାଲି ରୂପକ ମାଟି
बहुव्रीहि समास बालीर माटी तत्पुरुष तो यहाँ बाली मिसा माटी मिसाटा लोप पाई तो यहाँ है मध्यपद लोपी कर्मधारय ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य क्यों द्वंद समास ना तो ओ एवं जो थाए दीटाक शब्दर प्राधान्य रही है ताको कहा जाए द्वंद तो ये बेश ओ भूषा हम यहाँ तार विग्रह वाक्य तो बेश भूषा हो गला द्वंद समास। नेक्स्ट नवरत्न क्यों समास चिन्ह नवरत्न अर्थात न रत्नर समाहार तो आम जानचे समाहार दिगु समाहार जो थी दिगु समास हम तो ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू लाभ क्षति क्यों समास चिन्ह तो लाभ क्षति हूँ लाभ ओ क्षति तो ओ लगला मैंने यहाँ है द्वंद्व समास। प्रतिबिंब क्यों समास चिन्ह प्रतिबिंब प्रति लगे यहाँ अवय भाव में जीव। नेक्स्ट सिंहासन क्यों समास चिन्ह सिंहासन हूँ सिंह चिन्हित आसन यहाँ है कर्मधारय। चाली चलन क्यों समास चिन्ह ऑप्शन सब द्वंद्व दिगु नित्य कर्मधारय तो चाली चलन एलाबोरेट कले चाली ओ चलन तो ओ लगे द्वंद्व। निम्नलिखित समास मानक क्यों द्वंद्व समास चिन्हट कर ऑप्शन सब निर्धारण चिल आखिया अश्वगज अंधारगण तो अश्वगज को जब आम विग्रह वाक्य लिखा से अश्व ओ गज ओ लगे तो यही द्वंद्व समास। निम्नलिखित मध्य कर्मधारय समास चिन्हट कर स्थिर बुद्धि वृक्षपतित बणभोजी जराजीर्ण तो स्थिर जहार बुद्धि यहाँ है कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट तीनि मुहाणी क्यों समास स्थिर कर तो तीनि मुहाणी अर्थात तीनि मुहाणर समाहार समाहारे दिगु ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निरामिष क्यों समास स्थिर कर तो निरामिष आमर आसीगला अवैभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्जन क्यों समास सोचा तो निर्जन भी आमर हेगला अवैभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनकर क्यों समास चिन्ह तो दिनकर यहाँ है उपपद तत्पुरुष जदि दिनकर आम सूर्य बोली धरवा तो यहाँ बहुव्रीहि। सत्यानुरागी क्यों समास चिन्हट कर सत्यरे अनुरागी सप्तमी तत्पुरुष। अलगा क्यों समास चिन्हट कर अलगा न लगा अलगा न तत्पुरुष। निम्नलिखित पद मानक मध्यरु बहुव्रीहि समास सूचा पापात्मा नरसिंह घरद्वार प्रतिबिंब नरसिंह यहाँ ना तो नर को बुझे ना सिंह को बुझे जड़े ठाकुर जड़े देवता जन अवतारी नरसिंह को बुझे तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो गला। नेक्स्ट कर्कश वचन क्यों समास सूचा कर्कश अटे वचन कर्मधारय। निम्नलिखित पद मानक मध्यरु क्यों दिगु समास बुझाओ परस्पर अणचाश पवन चक्रपाणी घनश्याम तो यही ऑप्शन नंबर खटा अणचाश पवन हूँ अणचाश पवन समाहार समाहारे दिगु। नेक्स्ट निशाचर क्यों समास चिन्ह निशारे चरे जे उपपद तत्पुरुष। नेक्स्ट तंतगुणा क्यों समास चिन्ह तंतगुणा तंत द्वारा गुण द्वारा हो गला तत्पुरुष विभक्ति आसला। वनवास क्यों समास चिन्ह तो वनवास है तत्पुरुष। नेक्स्ट चक्रपाणी की प्रकार समास चिन्ह चक्रपाणी आमर हो गला बहुव्रीहि कारण चक्रपाणी आज जन बुझे विष्णु। निखुण क्यों समास चिन्ह निखुण हो गला न जातर बहुव्रीहि। देशांतर क्यों समास चिन्ह देशर अंतर कर्मधारय। निम्नलिखित समास मानक मध्यरे क्योंटि द्वंद्व समास तो द्वंद्व जोटि ओ एवं विग्रह वाक्य आसो से द्वंद्व समास तो ऑप्शन नंबर ख धनी दरिद्र धनी ओ दरिद्र यहाँ है द्वंद्व समास। नेक्स्ट बाड़ाबाड़ी क्यों समास चिन्ह तो बाड़ाबाड़ी आमर हो गला व्यतिहार बहुव्रीहि बाड़ाबाड़ी केसा केसी पिटापिटी ये सब व्यतिहार बहुव्रीहि। नेक्स्ट व्यास वाक्य सहित समास निर्णय कर कलुष रूपक पंख कलुष पंख कर्मधारय समास हाँ तो रूपक इटि रहा यहाँ है रूपक कर्मधारय कलुष पंख ठीक अच्छे। नेक्स्ट बंधन मुक्त क्यों समास चिन्ह बंधन रु मुक्त बंधन रु रु हूँ पंचमी चिन्ह तो यहाँ है पंचमी तत्पुरुष। अनुचित क्यों समास चिन्ह न उचित न अनुचित न उचित है यहाँ है नज तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पद मानक मध्यरु कर्मधारय समास निर्णय कर तो कर्मधारय आदि हो गला पूर्ण अट्टकुंभ पूर्णकुंभ ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
निम्नलिखित व्यासवाक्य समास मानक मध्य क्योंकि ठीक सूचा न मुसलमान अण मुसलमान नन सत्पुरुष यस नत्पुरुष होगा राइट आंसर अण मुसलमान। नेक्स्ट अहनिश के समास तो अहनिश हूँ अह आशा दिन राति ओ दिन ओ राति तो यहाँ है द्वंद्व। निम्नलिखित शब्द मानक मध्य दिगु समास निर्णय कर दिगु हूँ समाहार जो कि आसपा दिगु हम तो भितर खटा अच्छे त्रिपिटक त्रिपिटक अर्थात तीन पिटक समाहार समाहार दिगु। शंखहस्त के समास शंखहस्त जहाँ किंतु जो मिनिंगटा आसा हूँ भगवान विष्णु तो यहाँ बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पदाश्रित क्यों समास चिह्नट कर पदाश्रित पदरे आश्रित तो यहाँ विभक्ति चिन्ह लोप पाइला तत्पुरुष। विप्रा अर्पित तो जो अर्पित केस आसब निमित्त केस आसब चतुर्थी चतुर्थी तत्पुरुष। निम्नलिखित मध्य द्वंद्व समास चिह्नट कर द्वंद्व अर्थात दुईटा कर इम्पोर्टेन्स रो थ ओ किंबा एवं द्वारा से जॉइन होते दिवा रात्र दिवा ओ रात्र ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित व्यासवाक्य एवं समास मध्य क्योंकि ठीक निर्णय कर स्थिर अटे मन जहाँ स्थिर मना कर्मधारय स्थिर और मन स्थिर मना द्वंद स्थिर मन जहाँ से स्थिर मना बहुग्रीह स्थिर मन जहाँ स्थिर मना तत्पुरुष तो आगे स्थिर अटे मन जहाँ स्थिर मना यहाँ कर्मधारय दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन असंपूर्ण कहानी उक्त पद्धति समास निर्णय कर असंपूर्ण कहानी यहाँ है कर्मधारय। सो वर्तमान धन्यवाद।